अगस्त का महीना होने वाला है मस्त, क्योंकि फिल्में आने वाली है जबरदस्त। तो मेरा नाम नितेश साहू, स्वागत है आपका फिल्मी भाई चैनल में। तो दोस्तों, अगस्त में कौन कौन सी मूवी और सीरीज आएगी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये नया चैनल है, इसका ग्रोथ आपके हाथ में। तो दोस्तों, फर्स्ट कंटेंट की बात करें तो हॉलीवुड के मोस्ट सेक्सी आदमी ब्रैड पिट लंबे समय बाद अपनी मूवी लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है बुलेट ट्रेन। इस मूवी की कहानी ट्रेन से शुरू होती है और स्टेशन पर आते आते ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड पिट ने, जो जिसने डेडपुल मूवी को भी डायरेक्ट किया था। इसका ट्रेलर बहुत ही दमदार एक्शन से भरपूर है और बहुत धांसू लग रहा है। ये मूवी 5 अगस्त को आपके नज़दीकी सिनेमा में रिलीज होगी। वेल दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रिक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन आखिरकार आने वाला है। इसकी कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स के 200 साल पुरानी रहेगी। ये सीरीज HBO मैक्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 22 अगस्त को प्रीमियर होगी। वेल दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं साउथ के सुपरस्टार दमदार एक्टर चियान विक्रम जी की। चियान विक्रम जी की मूवी आ रही है जिसका नाम है कोबरा। कोबरा मूवी के अंदर पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान जी भी अपना अहम किरदार निभा रहे हैं। इस मूवी में विक्रम जी अलग अलग किरदार 20 तरह के निभा रहे हैं। ये मूवी काफ़ी हद तक बेस्ट लग रही है और अच्छी लग रही है। ये कुछ ना कुछ तो धमाका करेगी साउथ इंडस्ट्री में। वेल आगे बढ़े तो तमिल लोकस के नाम से एक पायरेटेड वेबसाइट चलती थी, जिसके लोग नई मूवी को उसी दिन इंटरनेट पर लीक कर देते थे, या मूवी के रिलीज होने से पहले भी कई मूवी ऐसी थी जिन्हें रिलीज लीक कर देते थे। तो इस स्कैम पर आधारित ये मूवी तमिल लोकस बनी हुई है। ये सोनी लाइव पर 19 अगस्त को प्रीमियर होगी। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जी की एक मूवी आ रही है जिसका नाम है लाइगर। लाइगर मूवी पेन इंडिया मूवी रहेगी। ये 25 अगस्त को आपके सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसका हिंदी प्रोडक्शन धर्मा प्रोडक्शन के जिम्मे है। इसका ट्रेलर काफ़ी एनर्जेटिक और दमदार लग रहा है। यह मूवी 5 भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में रिलीज की जाएगी। इसमें विजय भाई अपने बॉक्सर का रोल निभा रहे हैं और ये हकलाते हुए इसमें अभिनय करेंगे। हीरोइन की अगर बात करें तो हीरोइन में अपने चंकी पांडे जी की पुत्री, जिसका नाम अनन्या पांडे जी है, ये रोल निभाएगी इसी के अंदर। आलिया भट्ट के प्रोडक्शन में बनी हुई डार्लिंग मूवी 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है, जिसके को प्रोड्यूसर अपने शाहरुख खान भाई साहब हैं। रेड चिली एंटरटेनमेंट इनका प्रोडक्शन हाउस है। ये मूवी डार्क कॉमेडी मूवी लग रही है। इसके अंदर रणबीर कपूर जी की पत्नी आलिया भट्ट जी एक पत्नी का रोल निभा रही है। ये मूवी काफ़ी हद तक अलग लग रही है। तो 5 अगस्त को ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। तो दोस्तों, इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को आपके नज़दीकी सिनेमा में दस्तक देगी। इसके अंदर आमिर खान जी और करीना कपूर जी लीड रोल में अभिनय करेंगे। ये मूवी ऑस्कर विनिंग द फॉरेस्ट गंप की ऑफिशियल रीमेक है। आमिर खान जी काफ़ी लंबे समय बाद सिनेमा में दस्तक देंगे। इनकी पिछली मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिन्होंने जनता को बहुत ठगा, वो फ्लॉप साबित हुई थी। सुबह 4 बजे उठने वाले कलाकार जिनका नाम अक्षय कुमार जी, इनकी एक और नई फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है रक्षाबंधन। साल की 4-5 फिल्म करने वाले अक्षय कुमार जी की फिल्म रक्षाबंधन राखी के त्यौहार पर रिलीज हो रही है। ये मूवी भाई बहन का प्यार दिखाती है। इस मूवी के अंदर भाई बहन का प्यार दिखाया गया है। ये मूवी जनता में कितना प्यार बटोरती है वह मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी लाल सिंह चड्ढा से क्लैश होगी। देखते हैं कौन इस रेस में आगे निकलता है।